हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईवी रेडर ब्लॉग्स। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है सब ओला S1 प्रो ओनर लोगों के लिए। तो आज ओला के तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अपडेट क्या है। तो जो लोग भी ओला इलेक्ट्रिक या फिर ओला S1 प्रो या फिर ओला S1 के ओनर है, उन लोगों को स्पेशली ये आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और जो फिलहाल सोच रहे हैं नया ओला S1 प्रो या फिर ओला का कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो ये वीडियो पूरा देखें, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं ओला S1 प्रो का ओनर हूँ, और गाड़ी ऐसे पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है, और क्योंकि मैं सिटी ट्रेवल करता हूँ यहाँ पर कोलकाता में, रोड भी बहुत अच्छे हैं, तो ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता है इन जनरल रोड्स वगैरह में। लेकिन जब भी मैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टाइप या फिर ऑफ रोडिंग तो पूरा नहीं बोलूंगा, थोड़ा जहाँ पर रास्ता खराब रहता है या फिर जहाँ पर ज्यादा गड्ढे वगैरह है, उस केस में मेरे को थोड़ा सा डर लगता है कि जो सामने का सस्पेंशन है, जो फ्रंट फॉर्क बोलते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, थोड़ा सा हिचकिचावट भी होता है और थोड़ा टेंशन भी होता है कि टूट ना जाए। तो कम्युनिटी में हलचल बनी हुई है, और आप लोग आए दिन देख रहे होंगे वीडियो में या फिर कोई फोटो में कि ओला का जो फ्रंट फॉर्क है, जो फ्रंट सस्पेंशन है, वो टूट जा रहा है, या फिर कहीं पर छोटा एक्सीडेंट हो रहा है तो वो टूट जा रहा है, या फिर अगर बहुत ज्यादा रफ चला रहा है तो वो टूट जा रहा है। तो ये जो टेंशन था, ये पूरा ओला कम्युनिटी के अंदर है, एग्जिस्टिंग ओला कम्युनिटी के अंदर है, जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन भी बनते जा रहा था ओला को एक्सपेंड करने में। तो इसीलिए ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि जितने भी ओला एग्जिस्टिंग ओला यूजर्स है, वो लोग अपना फ्रंट फॉर्क जो पुराना वाला है, फ्रंट फॉर्क जो एग्जिस्टिंग ओला इलेक्ट्रिक में है, वो नया जो ओला इलेक्ट्रिक ने नया जो फ्रंट फॉर्क डिजाइन किया है, क्योंकि और सेफ होगा और बेटर होगा, तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जो नया वाला सेफ है, जो नया वाला डिजाइन किया गया, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हाँ, आप सही सुन रहे हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा ओला की तरफ से, और इसका जो अपॉइंटमेंट है वो फिलहाल 22 मार्च के बाद आप लोग बुक कर सकते हो। तो उन लोगों ने ये क्लैरिफाई किया अच्छे से कि फिलहाल 22 मार्च तक आपको कोई अपग्रेड नहीं किया जाएगा, लेकिन 22 मार्च के बाद आप लोग अपना नजदीकी सर्विस सेंटर पे या फिर कहीं पर या फिर ऐप से कोई एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को जो फ्रंट फॉर्क है वो फ्री अपग्रेड कर दिया जाएगा नया वाला फ्रंट फॉर्क के साथ, जो ज्यादा सेफ है अकॉर्डिंग टू ओला इलेक्ट्रिक।